फरहान भाई अभी ग्रिप चढ़वा लिया और हमारा बल्ला बिल्कुल। अभी मैं बताता हूँ क्या एक्चुअली क्रिकेट का क्या सीन हुआ। अस्सलाम वालेकुम, टाइम हो रहा है 11:30 और इतनी ज़्यादा सुस्ती हुई पड़ी है, पहले चलते हैं जल्दी से नहाते हैं। और ये पड़ा है ट्रैक सूट, ये आवाज़ इस बंदे की आ रही है, इस बंदे को कर देता है बंद। और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आपको बताता चलूँ, ये अभी मुझसे गया यहाँ पर गिर, शुक्र है बच गया। और मेरी जान, आपने सुबह सुबह पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। सुबह नहीं, दिन है। सुबह मेरी अब सुबह हुई है, चलो खैर है, सही है। एक्चुअली आर्यन भाई का आज आखिरी दिन है ना, ऐसा है ना, कल को आर्यन भाई मेरी जान जा रहे हैं कहाँ पर, क्वेटा, जल्दी से मज़े कर लें। ओके बाय। और फिलहाल फ्रेश हो चुका हूँ और इधर लड़के वेट कर रहे हैं, ब्लॉग के चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। आप सोच रहे होंगे यार हम क्रिकेट पर क्यों नहीं गए, क्रिकेट पर भी गए थे लेकिन बड़ा गंदा वाला प्रैंक हो गया आपके भाई के साथ हर बार की तरह। इसका मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आज मेरे साथ क्रिकेट पर क्या हुआ। दिस इज पाकिस्तान बेबी। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। और ये नूर भाई। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। फरोख गया हुआ है, फरोख का थोड़ा बहुत काम था। और ये चेक करो भाई, एक चूज़ ये चेक करो और दूसरा, नहीं नहीं दूसरा चूज़ तो चेक करवा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुसैन भाई की पर्सनैलिटी को रेट इट आउट ऑफ 10 करें यार, और नूर भाई की भी पर्सनैलिटी को रेट इट आउट ऑफ 10 करें, दोनों पागल एक साथ आ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी चलते हैं बल्ले की ग्रिप चढ़वाते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे ख़राब हुई पड़ी थी और सही से खेला नहीं जाता। चलो बॉयज, ये इधर फैजान भाई के न्यू शूज़ रखे हुए हैं, कर लिए हैं, और मेरे काफ़ी पुराने हुए पड़े हैं, फैजान भाई को फिलहाल बताते हैं और चोरी चोरी से पहन लेते हैं। आपने भी नहीं बताना क्योंकि मैचिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है, खैरियत है? अभी इरफान भाई के पास आया हूँ बल्ले ग्रिप। इरफान भाई आपके पास ये बैठ के ग्रिप चढ़ जाएगी, ये होते हैं सपोर्ट वाले से वाले। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। A few inches later. अभी दूसरी स्पोर्ट्स वाली दुकान पर आए हुए हैं और नूर भाई करीब पसंद कर रहे हैं, कौन सी लेनी है? हुसैन भाई बल्ले चेक करें यार, आपकी पसंद के बल्ले पड़े हुए हैं, कौन सा बल्ला पसंद है? साकी वाला ज्यादा पसंद है, साकी वाला हमारे पास था, सिर्फ गुम है, पता नहीं किधर है। इधर ग्रिप लग रही है और ओके नूर भाई, अभी बल्ला हुसैन का है, ग्रिप नूर लगवा रहा है। अभी ग्रिप चढ़वा लिया और हमारा बल्ला बिल्कुल पेंडू लग रहा है यार, ऊपर से स्टाइल चेक करो नीचे से, है हमारा बल्ला है तो अच्छा, ठीक है ना। आप सही से, पहले तो इधर ग्रिप ख़राब हुई पड़ी थी, सही से खेला भी नहीं जाता था, दूसरे बल्ले भी हैं फिलहाल, ये हमारा फेवरेट बल्ला है। और चलते हैं आप घर, अभी बाइक काफ़ी ख़राब हुई पड़ी थी तो सोचा इसको भी सर्विस करवा लेते हैं, और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है पिछली बार वाला ही काम होना है, ठीक है ना नूर भाई, अब तैयार है ना इसको लेने के लिए? फिर शॉप साथ ही है यार, इंशाल्लाह नूर भाई चलेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, दोस्त इसी के तो काम आते हैं। और हुसैन भाई आपने भी, ठीक है ना, जल्दी से करवाते हैं, अल्लाह करे मसला ना हो जाए। ऐसे तो नहीं होता है, मुझे जिस बात का डर था वो तो हुआ नहीं। और एक्चुअली आज हमारे साथ है, बस कर हमारे साथ ड्राइवर मौजूद थे भाई, वाह भाई वाह, मैं तो पहली दफा बाइक सीधी चला कर जाता हूँ घर, थैंक यू नूर भाई, थैंक यू। अभी टाइम हो रहा था और कुछ काम भी कर लिया, अभी खाना वगैरह खा लिया, लेकिन नूर भाई को ज़्यादा भूख लगी हुई थी और फरोख भाई भी आ रहे हैं, पहले चलते हैं क्या खाते हैं, देखते हैं क्या खाने का मूड है। इंशाल्लाह भाई मेरा तो मूड है चावल छोले खाते हैं, हल्का फुल्का करना है, रोटी तो खैर वैसे ही कर ले, देखते हैं आप क्या खाते हैं। अभी फरोख भाई का वेट करें और फिलहाल तब तक आपको मिलाते हैं नए बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये मेरा भतीजा भी है, शाबाश कुरान पढ़ कर रहा है? यस। जल्दी जाएं, शाबाश डर जाए, लायक बच्चे पढ़ें। और अभी फरोख भाई भी आ चुके हैं और फरोख भाई ने रोटी वगैरह सब ने वैसे खा लिया, अभी चलते हैं देखते हैं फरोख भाई क्या खाने का मूड है, देखते हैं फिर। फरोख भाई कितने रोटियां खा के आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोटियां खा के आए हैं। फरोख भाई ने 3 रोटियां खा ली, अभी भी फरोख भाई की भूख खत्म नहीं हुई, देखते हैं आप भूख कैसे आपकी खत्म करते हैं, लेट्स गो। भूख लगती है यार। एक्चुअली हम खाने आए थे पहलवान के चावल छोले, लेकिन नूर भाई को मिला ही नहीं, और नूर भाई ने तो बिल्कुल 0 रोटी खाई है, मैंने थोड़ी बहुत खा ली, और फरोख भाई ने वैसे माशाल्लाह से 3 रोटियां खा ली हैं, अभी देखते हैं कोई और से नज़र आता है तो वो खाते हैं। नूर भाई ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया, देखते हैं आगे कोई मिलता है तो देखते हैं। सक्सेसफुली वेस्टेड 20 मिनट्स, इतना ज़्यादा जहाँ जहाँ फिर रहे हैं कहीं से भी नहीं मिल रहे,
कहीं फेमस जगह पर जाते हैं तो वो कहते हैं खत्म हो गए या कुछ भी, भूख और भी बढ़ती जा रही है नूर भाई की तो खास तौर पर, कॉज इन्होंने रोटी नहीं खाई थी। अभी देखते हैं अब और कोई, नूर भाई कहते हैं दूसरी कोई जगह है, अच्छा देखते हैं भाई ट्राई करते हैं, अगर आगे कोई मिलते हैं तो फिर चेक करते हैं। 2000 years later. तो भाई इतना ज्यादा घूमने के बाद, अपना टाइम वेस्ट करने के बाद हमें एक दुकान मिली है पुलाव की, तो भाई ने कहा है 3 प्लेटें हैं। और नूर भाई आपकी हालत? मेरी हालत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, बहुत ही खमीर है, बहुत ही भूख लग रही थी, और आपको तो भूख नहीं लग रही होगी, आप कैसे कमाई खा रहे हो, आप कैसे कमाई खा रहे भूख को मिटा दे फिर आपको मिलते हैं। अभी पुलाव आ चुका है और मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फरोख भाई का आइडिया था, फरोख भाई ने कहा कैसा है, फरोख भाई कैसा है यार, मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मिलता है कि कैसा है। तो फरहान भाई ये पहला बाइट दोनों चमचा, चलो कैसा लगा? कितना में? 100 में से कितने? 9/10। नूर भाई आप नूर भाई के भूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं जी, अभी इतनी बढ़िया फरोख भाई ने भी, नूर भाई माशाल्लाह बोल रहे हैं। भूख खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। रुक कहां से आते हैं ये? देख अभी चावल खा लिया और काफी ज्यादा मिर्चें लग रही हैं, ज्यादा भी नहीं, खैर रेगुलर पीते हैं। अभी वर्कशॉप पर आए हुए हैं क्योंकि बाइक की बैक लाइट खराब हुई पड़ी थी, भाई बैक लाइट लगा रहे हैं और इनको सब्र ही नहीं हो रहा, कहते हैं जल्दी से चलो के ना। फरोख भाई ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरा रक्षा मंगवा लिया कोका, आ जाए भाई आ जाए, इधर भाई ये घर जा रहा है, घर जाकर पीते हैं, ओके ना फरोख भाई निकल लो। जो मैंने आपको एंड पर क्रिकेट की स्टोरी बतानी है ना, आज जो आपके भाई के साथ प्रैंक हुआ है उसमें मेन किरदार है इसका, इसकी छत पर बाल गई थी, ये आपको एंड पर ही पता चलेगा कि आज क्या हुआ था। अभी बाइक का काम करवा लिया और जल्दी से चलते हैं घर, कुछ पीते हैं अभी, जरा प्यास भी लगी है। खाने को हजम करने के लिए बोतल ले लिया और गुड है यार, अब जरा मूड ठीक हुआ है। नूर भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हो यार? भाई अपनी प्यास को 7 अप कर रहे हैं हम। वाह वाह ये नया ब्रांड आ गया अपनी प्यास को 7 अप। ये 7 अप। अभी फिर से आपके भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये देखें ये दोनों अपनी पी रहे हैं, और ये किसकी पी रहा है? ये चोर हमारा, चोर आ गया, मैं एक घूंट भी नहीं पिया। बहुत तेज हो रहा है। अभी शाम हो रही है और हमने अपना हेलमेट वाला चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। हेलमेट वाला चैलेंज ऐसा था, यानी कि स्लैप मारनी थी पीछे से, ये अभी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और देखेंगे क्या आज, काफी मजा आया सच्ची, ये चैलेंज लाजमी देंगे, आई होप कि आप सबको काफी मजा आएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अभी हो रहे हैं रात के 12 और आपका भाई कर रहा है जी पढ़ाई, एक्चुअली हमारे आए हुए हैं ग्रैंड टेस्ट और ग्रैंड टेस्ट की वजह से व्लॉग ज्यादा मैं रेगुलर बना नहीं पा रहा और फिर इसीलिए इनकी तैयारी करनी पड़ती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये सारा एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है और मिल देंगे आपको सही से रेगुलर वाला एग्ज़ाम के बाद। आई होप कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबर अभी आपको क्रिकेट वाला सीन तो बताता जाऊँ, अभी मैं बताता हूँ कि आज एक्चुअली क्रिकेट का क्या सीन हुआ। मैं सुबह उठा और मैंने सोचा व्लॉग नहीं बनाना, बस चलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वीक से मैं सही से नहीं खेल रहा था और फील्डिंग वगैरह ऐसे ही कर रहा था बस, फिर कुछ मज़ा नहीं आता था क्रिकेट पर। फिर मैंने सोचा आज व्लॉग नहीं बनाता और आज चलते हैं ऐसे ही कोई अच्छा सा फन लगाते हैं। दोस्तों को वेट भी नहीं करवाना पड़ा, जल्दी जल्दी से पहुंच गए ग्राउंड पर, वहां पर गए और पहली टीम से मैच हो ही रहा था कि पहली बॉल हो गई वहां पर गुम, खत्म, बाय बाय टाटा। यार ग्राउंड ऐसा है, हमारा क्या कसूर है, एक दो छक्का मारो दूसरी छत पर बाहर चली जाती है, मेरी बारी उसमें बिल्कुल नहीं आ सके तो वो मैच हो गया ड्रॉन वहीं पर। और अल्लाह का शुक्र है हम दूसरी बार लेकर गए थे, वो टीम चली गई, अब सोचा आपस में खेल लेते हैं यार, अब लास्ट बॉल थी, लास्ट चांस था, सुकून से खेल रहे थे, मेरी बारी आने वाली थी, मेरे से जो पहला बंदा था ना उसके बस 2 बॉल्स रहते थे, इतना गंदा खेल रहा था ना, लास्ट बॉल जब आई ना उसके ऐसे करके ऐसे मारा ना, कसम से मॉडल बाजार की छत पर गई बॉल। Thank you.
लेकिन फिर यार बाल नहीं मिल सके। आपके भाई के साथ बहुत बुरा हो गया, दूसरी बाल गुम, पहली भी गुम, लास्ट बाल के चक्करों में। नेक्स्ट टाइम नहीं जाना भाई, बस मैंने नहीं जाना। अब पहले तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और ज़्यादा रोना आ रहा है यार। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और इसी लॉक को करते हैं यहीं पर। ऐसा ना हो ये जो सारा पड़ा हुआ ये भी भूल जाए। अल्लाह हाफिज़, बाय यार।